की निशान यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। आगरा में शहर के इतिहास की सबसे भव्य यात्रा 3 किलोमीटर सिर्फ ध्वज और श्रद्धा का सैलाब, लक्ष्मी माता संग खाटू श्याम नरेश के जयकारे और अभूत बालक सा हरायु के श्रद्धालु में उल्लास, धर्म और आध्यात्म का ये विहंग दृश्य श्री महालक्ष्मी भक्त मंडल द्वारा आयोजित जन्माष्टमी महोत्सव के अंतर्गत निकाली निशान यात्रा में बलकेश्वर स्थित महालक्ष्मी मंदिर से जीवन मंडी स्थित खाटू श्याम के मंदिर तक भव्य निशान यात्रा निकाली गई। 4 दिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव के दूसरे दिन निकाली गई निशान यात्रा में 2000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में यात्रा को 3 घंटे लगे। यात्रा का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, मंदिर ट्रस्टी राम कपूर, सतीश कपूर और अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने खाटू श्याम की झांकी की आरती उतारकर किया। भव्य यात्रा में यातायात व्यवस्था में ACP छत्ता राकेश कुमार सिंह, ACP हरिपर्वत, मयंक तिवारी थाना प्रभारी छत्ता, अनुराग शर्मा थाना प्रभारी कमलानगर, विपिन गौतम ने मैफूर संभाली। गणेश जी, राम मंदिर, कृष्ण लीला और महादेव जी की झांकी के साथ लाइव DJ के साथ चल रहे थे। सुधीर बैंड और नासिक से आए ढोल नगाड़ों की धुन पर महिला पुरुष नाचते गाते नजर आए। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। जैसा कि विदित है, ब्रज क्षेत्र में जन्माष्टमी का महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उसी परिक्षेत्र में यहाँ 4 दिवसीय जो जन्माष्टमी महोत्सव चल रहा है, आज उसमें निशान यात्रा निकल रही है। निशान यात्रा है यहाँ से शुरू होती है, लक्ष्मी मंदिर कमलानगर से शुरू होकर खाटू श्याम मंदिर तक जाएगी। पुलिस ने प्रॉपर प्रबंध कर रखे हैं, कहीं पर ट्रैफिक की कोई समस्या न हो। सकेशर यात्रा निकल रही है, भक्तों में भी काफी हर्षोल्लास है। बुलंदशहर में प्रॉपर्टी डीलर से हुई लूट का